देखिए, आज ये हमारे जो 89 बूथ हैं उनके कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रखा था और हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, सांसद हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वो यहाँ आए थे, संजय दत्त जी सह प्रभारी हैं। आज उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपना संबोधन दिया है, जोश भरा है। दो दिन का समय शेष है, इसके बाद अब सभी लोग जो है अपने अपने बूथों पर सक्रियता से काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को उनके बूथों से जो है वो भारी बढ़ता है। तो आप देखिए, राजनीति में हर चुनाव जो है वो अलग है और हर चुनाव को अपना पहला चुनाव मानकर ही मैं लड़ता हूँ और हमेशा ये सोच के लड़ता हूँ कि जीरो से शुरू करना है और फिर आपको आगे की तरफ जाना है। तो मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ, ये मेरे मन में कोई वैसी भावना नहीं है। और जो कार्यकर्ताओं की ताकत है हमारे, उनकी ताकत के भरोसे पर, धर्मशाला की जनता के विश्वास पर मैं चुनाव में उतरा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अच्छे बहुमत से यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए, व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण कोष का गठन कांग्रेस करेगी, न केवल उनके लिए बल्कि उनके पास जो लोग काम करते हैं, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिनकी कहीं गिनती ही नहीं हो रही है, जो दुकान में कुछ सेल्समैन है और लोग हैं, उनके लिए भी जो है वो बीमा योजना और बाकी चीज़ें लेकर के आएंगे, क्योंकि उस सेक्टर की तरफ किसी का ध्यान गया नहीं, तो वो भी एक बहुत बड़ी संख्या है। और व्यापारी कल्याण प्रकोष्ठ जो है उसका गठन तो करना ही तय है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारा जो आर्थिकी है ये छोटे व्यापारी, रेड़ी फड़ी और छोटी दुकानें जो हैं इनके ऊपर टिकी है। जो बड़े बड़े मॉल हैं वो तो एक व्यक्ति को लाभ देगा, लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो अपना रोज कमा करके खाने वाले हैं, उनके लिए जो है वो ज़्यादा विशेष ध्यान आने वाले समय में देना चाहिए और सरकार देगी भी। धर्मशाला में विशेष तौर पर इसके लिए मेरे समय का एक पैसा आया भी हुआ है, जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, लेकिन वो दुर्भाग्यवश पिछले 5 वर्षों में खर्च नहीं हुआ। अब उनके लिए जो है इसको चरणबद्ध तरीके से लागू यहाँ करेंगे, स्थल जो हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप करेंगे, स्नो लाइन तक लोगों को ले जाना है। आदि हिमानी चमुंडा का रूप के भाग गई, परमिशन नहीं दे पाए, तो इन चीज़ों को दोबारा शुरू करना है। ट्यूलिप गार्डन है, उसका पहला फेज हुआ है, दूसरा करना है, पहले के ऊपर भी। कांग्रेस आएगी तो फलों की कीमत बागबान तय करेंगे, तो इस बार तो बन कर यार लगाए, कांग्रेस को जिताए। लेबर और पैकिंग का 5,000, वो जीएसटी तो भूल ही गया। माल सब्जी मंडी जाने का 5,000, फंगिसाइड प्लस 18% जीएसटी, पेस्टिसाइड प्लस 18% जीएसटी, हो गए 15,000। बाबा, अब तो आप किसे बिक गए, मेरी नई साइकिल। मिठू, तेरी साइकिल में अगले साल तुझे दूंगा पक्का। हर बार यही बोलते हो। नहीं मिठू, अगले साल पक्का। अगले साल में ऐसा क्या बदल जाएगा? सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सेब के दाम हम तय करेंगे। और वैसे भी बागवानों के बारे में तो कांग्रेस ही सोचती है, ये सरकार तो 18% जीएसटी लगाती है और किसानों को कर्जा दिलवाती है। फलों की कीमत बागबान तय करेंगे, बाजार की परेशानी हम दूर करेंगे, तो इसलिए हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं।